शुरू करें हम लोग मैथमेटिक्स की शुरुआत करते हैं हम लोग चलो तो हम लोग कितने क्वेश्चन लगाएंगे दो बाईस नंबर तेईस नंबर लेकिन बड़ी क्वेश्चन बड़ा आपका है बाईस नंबर पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम लोग देखो दो पासा आपका है कह रहे कि एक स्लेटी पासा और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है सभी संभावित परिणामों को लिखिए इसकी क्या प्राविकता होगी और दोनों पासों का संख्याओं का योग बताइए अच्छा जब दोनों पासों पर जोड़ने पर युग आठ आता है उसकी प्राविकता बताना है जब दोनों पासों का जोड़ते हैं तेरह आता है उसकी प्राविकता बताना है जब बारह से छोटी या उसके बराबर आता है तो तब प्राविकता बताना है और कह रहे न उपयुक्त तो सहायता से निम्नलिखित की सालणी को पूरा करना साली दिया था ये तो आंसर लिखा गया ठीक है ना साली में लिखा है कि घटना दोनों पासों का योग दिया है मैंने जुड़ना पर इतना आता है प्राविकता एक का दिखा दिया कि एक बार छत्तीस आता है तो और बाकी आपको जोड़ने पर कितने बार चार आएंगे कितने बार पाँच आएंगे कितने बार छः आएंगे कितने बार सात आएंगे कितने बार आठ आएंगे कितने बार नौ कितने बार दस ग्यारह बार आएंगे इसके बारे में हम लोग का क्या करना है बताना अच्छा बात समझो अच्छा उसे पाँच क्वेश्चन दिया है पाँचवा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल ग्यारह परिणाम दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह हैं अतः प्रत्येक की प्राभिकता एक बटा ग्यारह है क्या आप इस तर्क से सहमत हैं सकार उत्तर दीजिए अब यहाँ से हल हुआ है मैंने आपको बताया था कि जब दो पासा फेंकते हैं ना तो कुल छत्तीस परिणाम प्राप्त होते याद है पंकज बाबू अरे दो पासा बात तो पासा जानते बन जान के हम लोग कि उसमें एक से लेकर के छः तक अंक होता है जब दो दो पासा उछालेंगे जब दोनों नीचे गिरेगा तो हो सकता है कि दोनों पर एक एक आ जाए एक, एक पर एक एक पर दो एक पर एक एक तीन एक चार एक पाँच एक पाँच एक इस तरीके से दो एक दो दो तीन दो चार दो पाँच दो छः तीन एक तीन दो तीन 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 चार तीन पाँच तीन छः चार एक चार दो चार तीन चार 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 पाँच चार छः पाँच एक पाँच दो पाँच तीन पाँच चार पाँच पर पाँच छः छः एक छः दो छः तीन छः चार छः पाँच छः छः इतना आपके पास उपस्थित है तो कह रहे इसकी क्या प्रायिकता होगी इसकी प्रायिकता आपको क्या करना है बाबू बताना है देखो अब सवाल में ही कहता है कि सवाल में ही कह रहा है कि जब दोनों पासों पर योग आठ हो कितने बार आठ आएगा एक तो ये आ रहा है ना छः दो आठ आ रहा है ना एक पाँच तीन आठ एक चार चार आठ पाँच तीन आठ यानी एक दो तीन चार पाँच कितने पर आपके जुड़ने पर आठ है बाबू पाँच तो ऊपर कितना लिखा जाएगा पाँच देखो जब योग आठ हो तो आप तो ऊपर तो लिखा जाएगा पाँच और नीचे कुल कितने हैं छत्तीस तो नीचे लिखा जाएगा आपका छत्तीस तो पाँच बटा छत्तीस हमारा कहाँ आ जाएगा आंसर आ जाएगा जब योग तेरह हो जब योग कितना हो तेरह हो जब योग तेरह हो जब योग तेरह का मतलब जोड़ने पर क्या आ जाए तेरह तब प्रायोगता बताना अच्छा कभी तेरह तो आएगा ही नहीं मैक्सिमम बारह तक आएगा ही ये छः छः जुड़ेंगे तो कितना आएगा बारह तेरह तो आ ही नहीं सकता है इसलिए इसकी प्रायोगिकता जीरो बताए छत्तीस यानी जीरो आ जाएगी जब आएगा ही नहीं तो जीरो होता है ठीक है इतना समझ गया तीसरा क्या कहता है बारह से छोटी या उसके बराबर सब देखो बारह से छोटी या उसके बराबर यानी इसको जोड़ेंगे तो बारह इसको बारह से छोटी ये तो छोटी सब बारह से छोटी ही तो होगी तो कुल छत्तीस लिखा जाएगा कुल छत्तीस लिखा है क्योंकि छत्तीस बारह से छोटी ही होगी एक बारह के बराबर होगी तो छत्तीस 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 कर गया एक ठीक है अब तीसरा आपके पास चौथा हाँ तो चौथा क्या कहा है देखो चौथा यहां पर है बाबू चौथा यहाँ पर देखिए लिखा गया है ये साली आपको भरना है अब देखिए जोड़ने पर दो कितने बार आएगा दो कितने बार आएगा मात्र एक बार एक एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा मात्र एक बार तो देखो वही से एक बोटा छत्तीस जुड़ने पर कितने बार तीन आएगा तो दो बार देखो एक एक और दो जोड़ोगे तभी तीन आएगा और दो और एक जोड़ोगे तभी तीन आएगा तो दो बार जोड़ने पर तीन आ रहा है नो तो ये तीन बटा छत्तीस लिखा जाएगा कितने बार दो बटा छत्तीस लिखा जाएगा कितने बार चार आएगा तो तीन एक जोड़ेंगे तभी चार आएगा दो दो जोड़ेंगे तभी चार आएगा और तीन एक जोड़ेंगे तभी चार आएगा तो तुम्हारी तीन बार जोड़ने पर चार आ रहा है तो चार बटा छत्तीस वहीगन तीन बार होंगे तीन बटा छत्तीस उस तरह से पाँच देख लीजिए कितने बार जोड़ना पड़ता है तो एक और चार तभी पाँच होगा दो और तीन, तो पांच तीन तभी पाँच होगा तीन दो रहेगा तभी पाँच होगा चार एक होगा तभी हो तो चार बार तो इसे चार बटा छत्तीस छः को देख लो आठ बटा छत्तीस सात देख लो कितने बार जोड़ना पड़ा छः बार आठ पाँच बार नौ चार बार दस तीन बार ग्यारह दो बार बारह एक बटा छत्तीस ठीक है अच्छा अब एक लड़का का कह है ना कि प्रत्येक का प्रायिकता एक वटा ग्यारह होगा कह दिया है कि प्रत्येक का प्रायिकता कितना होगा एक वटा ग्यारह का ही बात सही है का क्या सबका प्रायिकता एक वटा ग्यारह आ रहा है का नहीं आ रहा है तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा लेकिन नहीं प्रत्येक का प्रायिकता एक वटा ग्यारह नहीं है समझ में आया बताओ अच्छा अब देखो इसमें हमको लगता है कि दो सवाल और हैं पच्चीस सवाल हैं इसमें तो कल आपको 24-25 लगाए रहेंगे पढ़ लेंगे वगैरह वो से देखा जाएगा साइंस पढ़ के तो आप टेस्ट नंबर देंगे कह रहा है तेईस नंबर है एक खेल में एक रुपया के एक सिक्का को तीन बार उछाला जाता है कोई खेल होता है उस खेल में एक रुपया के सिक्का है उसको हम तीन बार क्या करते उछालते हैं एक खेल में एक रुपया के एक सिक्का को तीन बार उछाला गया प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है यदि तीनों समान सुनो यदि तीनों समान ची आए मान तीनों पर चीताए या पट आए तो हनीफ उस खेल को जीत जाएगा अथवा वह हार जाएगा तो इसकी प्रयोगिता क्या होगी जीतने की प्रयोगिता बताना है और हारने की प्रयोगिता मान लो सिक्का है न सिक्का अगर उछालोगे तीन बार जैसे तीन को सिक्का लेकर एक बार उछालोगे तो गिरेगा तो हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए या हो सकता है तीनों पर टे ला जाए या हो सकता है दूगो पर हेड आए एक पर बटे आए तो कुल आठ परिणाम प्राप्त होंगे क्यों आठ होंगे क्योंकि सिक्का में कितने तल होते हैं दो एक हेड होता है एक तेल होता है एक हेड होता है क्या होता है तेल तो जब ऊपर आप गिराएंगे तो जब दो जो तल होता है तो दो को ऊपर तीन दो को ऊपर कितना लिखेंगे तीन और दो को बीन का मतलब होता है कि आप दो गुना दू गुना लिख करके आप बता सकते दो को बीन है तो, तो कहा <laughs> जब इसकी प्रयोगिता की बात करेंगे तो एक खेल में एक रुपया के तो देखो То, देखो आ, देखो, तो देखो यही देखो कुल परिणाम देखोगे ना तो दू तल है तीन है तो तीन आठ तो ये इस तरीके से पूरा आपके परिणाम आपको मैंने बताया भी था आठ परिणाम होंगे हो सकता है तीनों पर हे डेरा जाए हो सकता है कि दो पर दू परेडो पर टेल आ जाए पहला पटेल तो दूसरा तीसरा पर हे हेरा जाए उसके बाद सोच सकता है पहला पर परहेड दूसरा पटेल पर तीसरा परहेड़ हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए हो सकता है पहले दो पर टेल एक पर परहेड़ इस तरीके से आ जाएगा तो जब हनीफ खेत खेत लिख दिया गया जब हनीफ खेल जीत जाएगा प्रयोगिता कितना होगा कितने बार वो जीत सकता है बाबू क्या लिखा गया कितने बार जीत सकता है दो बार कब कब या तो तीनों पर हेड आएगा तब जीतेगा या तीनों पर टेल आएगा तब जीतेगा ऊपर लिख दिया गया तो एक बार माने तीनों पर हेड आया है और एक बार तीनों पर टेल तो कितने बार आ रहे हैं दो तो दो बटा कितना आ जाएगा आठ टोटल आठ है दो से आठ कर जाएगा चार एक बटा का आ जाएगा चार जब वह मैंने हार जाएगा जब खेल को हार जाएगा तो कितने बार हारेगा अरे भाई आठ बार वो होता है दो बार जीत गया तो छः बार बचेगा तो छः बटे का हो जाएगा आठ आठ हमेशा नीचे रहेगा काटेंगे तो तीन बटे का हो जाएगा चार इस तरीके से ही हार की प्रयोगिता हो गई तो जीत की भी हो गई हार की भी हो गई चलो साइंस के पास चलो साइंस के पास किताब निकाल लो